हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया चक दे इंडिया, अंग्रेजों से चार गुना लगान वसूल कर लिया हम लोगों ने और इंडिया अब आ गया नंबर वन प्लेस पर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज उन चैनल में भी आ रहे हैं। लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो देख ही लो क्या बना। इन फैंस का यहाँ पर एक ही बात बार बार कह रहे हैं वो कि आप हार्दिक पांड्या जब भी टीम में आएंगे आप मोहम्मद शमी को बाहर नहीं निकाल सकते। और ये बात बार बार शमी एक स्टेटमेंट के तौर पर वो कह रहे हैं इस बात को लगातार अपने परफॉर्मेंस से कि कैसे आप उनको बाहर रख सकते हैं। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दूसरा ओवर क्यों नहीं दिया, पहला ओवर क्यों नहीं दिया, आपने सिराज को पहले क्यों लेकर आए। शमी का अनुभव जो है वो वर्ल्ड क्लास है, उनको आप दूर कैसे रख सकते हैं। फैंस हमारे साथ हैं। कमाल की जीत, जब 229 बने थे थोड़ा डर लगा था, थोड़ा सा डर लगा था, पर हमें इंडिया पे पूरा कॉन्फिडेंस था और हम इंडिया को सच के चीयर्स कर रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे आज का मैच। तो ट्रॉफी आ रही है फिर? बिल्कुल आ रही है। Winning the toss and putting India into bat, thinking that abhi tak to sare chase mein wo jeete hain, let's see how they come up now. We all thought when the first innings ended that India was definitely lagging. England have a chance. That India have a chance. But cricket was very different. Yeah. Usually jo humne abhi is World Cup mein pitches dekhi hain, ye pitch काफी मुश्किल थी batters के लिए early on. स्पेशली जब इंडिया बैटिंग करने आया, उनके कप्तान ने पोस्ट इंटरव्यू में कहा है कि ही रियलाइज विद हिज एक्सपीरियंस कि दिस इज द पिच वन हैज़ टू स्टे देयर लॉन्गर। एंड या लाइक यू राइटली सेड, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। आई मीन 87 और 101 बॉल्स, इट वाज नीड ऑफ द आवर। पार्टनरशिप की जरूरत थी, आपने स्काई का भी जिक्र किया। एक बैट्समैन ने रन नहीं थे कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में, वो था सूर्य कुमार। ही गॉट 49 रन्स, ही प्लेड वेरी वेल, वेरी सेंसिबल। और किसी भी टीम की अब फाइटिंग स्पिरिट का अंदाज़ा कैसे लगाते हो, वो आप क्रिकेट में लगाते हो जब उनकी टेल फाइट करे बैटिंग में। जी हाँ। अब देखिए उनके आखिरी प्लेयर ने बुमराह और नंबर 9-10 जो भी विकेट थी कुलदीप ने 21 रन उन्होंने जोड़े हैं। सो वो 21 रन इस पिच पे तकरीबन उसके 50-60 के मुकाबले में। सो दैट शोज के उनको एक सेंस थी, सिचुएशन अवेयरनेस थी कि वे हिटें लगनी है, सारे बॉल यूज की थी, तीन ओवर बच जाएंगे। उन्होंने सिंगल सिंगल होनी शुरू कर दी एंड दैट 21 रन इन द एंड मेड अ डिफरेंस, बैटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया टीम की फास्ट बॉलिंग, दे लुक ब्रिलियंट, दे लुक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडर ऑफ द बैट बुमराह। सिराज रैन इन एंड शमी डिड द लास्ट नेल इन द कॉफन फॉर इंग्लैंड। एंड इंग्लैंड टीम, दे लुक आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट टेक ओडीआई क्रिकेट सीरियसली। ऑलमोस्ट इंडिया इज द बेस्ट। तो इसलिए शमी और बुमराह का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत लीथल है, और स्पेशली शाम में और शाम के वक्त बहुत लीथल है। आई थिंक इंडिया विल बी थिंकिंग अबाउट दैट टू। लेकिन आपका कप्तान सयाना है, वो सिराज का कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहता। आई मीन बुमराह तो एक लग क्लास का बंदा है ना यार, वो तो कमाल है ना यार। वो तो कभी कोई कहां से वाइडर तो क्रीज आउट स्विंग कर रहा है, क्लोजर स्टम्प क्रीज कर रहा है, फिर उसको नहीं समझ आ रही, उसकी जो मेन स्ट्रेंथ आती है वो राउंड द विकेट आ जाती है। स्ट्रेंथ अब उस नारा वो बुमराह सयाना बहुत चला है, बहुत है हमारा वो बुमराह सयाना बहुत चला है, बहुत वो ऑफिस आ गया, चला बहुत ये टैलेंटेड बहुत है, बॉलिंग भी जीत गए, वर्डिंग सोच के हार्ड वर्क। हां जी, ठीक है, अपने के वक्त पे मुकाम आया आपने, तुम्हारे भी कर दिया है कि बच्चियां तो जाती हैं आपने, तो तुम्हारी भी तो की थी। वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया 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 गलत बोल दिया ना, अंदर से भरा ये अपने असली भाई साहब रहते, उनको हमने देखा भाई साहब, मौका मिलता है नहीं है, मतलब आप लेके लेंगे, हम तक लेंगे, कप्तान लेंगे, कप्तान लेंगे,
अरे हम तो इतना वेस्टर्न लुक कर लिया है, इतना वेस्टर्न लुक कर लिया है आपके जीत पे, ये योगी जी का मुख्य उत्तर प्रदेश है, इसलिए इतिहास बदल दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत सारी बधाई हो, मुबारक हो भाई। और माशाल्लाह भाई, शमी भाई, माशाल्लाह भाई, आपने इंग्लैंड के क्रिकेट का कैरियर ही खत्म कर दिया भाई। आपने बटलर मटलर बटर चीज माइनीस केचप सबको जो है बटर चिकन बना दिया, जबरदस्त भाई, अनबिलीवेबल। बहुत सारे जो है वो पाकिस्तान से बड़े अपने आप को क्रिकेट के एक्सपर्ट बता के बैठे हुए भाई, 25% चांसेस है हिंदुस्तान के जीतने के। इंग्लैंड के जो मलान मलान है, ये रूट है, ये आईपीएल खेलते हैं, ये एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये मारेंगे, ये पावर प्लेयर है, बना के जाएंगे, घंटा मेरा बना के जाएंगे। मजा आ गया भाई, वर्ल्ड के नंबर वन बॉलर्स भाई हिंदुस्तान की, और क्या फील्डिंग की है माशाल्लाह भाई। आप और पाकिस्तानियों, आप लोग अपने काम पे लग जाओ और चिल्लाते रहो, रिएक्शन देखते जाओ। अपना काम नहीं बोलना, देखो वो कहते हैं ना, सब धंधा है पर धंधा है ये आप लोगों का धंधा है, क्योंकि भाई आपको छोड़ के किसी भी किसी टीम के साथ मैच होता है बोलते ये फिक्स है भाई यार, तो अपने अपने कामों पे लग जाओ और हम खुशियां, ये है हमारी इंडिया खुशी। और बताइए पूरा मजा आया है, 200% का बने चला जाता दीते, 100% बताता, 100% बताता, वाले नहीं बनाता तो ये क्या बना लेंगे, गुमराह कर देगा उनको, गुमराह पहुंचा भी कह रहे हैं, मुझे लगता है नहीं, मुझे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी सूर्य से, वो एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत बढ़िया उन्होंने रन बनाए इंडिया ने, और ज्यादा सुर नहीं होता, साफ लग रहा था कि अगर इंडिया नहीं बना पा रही है तो इंग्लैंड भी नहीं बना पा रही, और इंडिया का ऑटोमेटिक मॉरल डाउन था तो वो क्या बना लेगी इंडिया, और फॉर्म जो है इस समय जिस तरीके से हाथ से गेंद निकल रही है, जितने आप उनको मौके दे रहे हैं, हर मौके पे जो 5 विकेट 4 विकेट मोहाली में 5 विकेट, वो अलग लेवल है, और अगर आप वो विकेट शुरू में चटका देते हैं ना तो फिर खेलना वो मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं सामने वाली टीम, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट सिर्फ 1-2-3 पे चलता है, अगर आप अभी भी छोड़ो, अब पिछले 4 वर्ल्ड कप के एडिशन निकाल के देख लो आपको, हर बार हाईएस्ट रन स्कोर कौन मिलता है, ओपनर, फिर ओपनर, फिर ओपनर, फिर ओपनर, अरे इसका मतलब है कि 1-2-3 वाले रन बनाते हैं, बाकी सारे जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मेजर जो काम है वो 1-2-3 करता है, अगर आपने उसमें से 2 साफ कर लिए, क्योंकि बुमराह तो एक लेगा कभी 2 भी लेगा, पर अगर दूसरे एंड से भी आपने सांस नहीं आने दिया तो सामने वाली टीम को वही फीलिंग होती है जो ना मतलब आपको कभी वेंटिलेटर लगा दिया तो सांस नहीं आ रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार वर्ल्ड कप भारत में ही है। एंडिंग कमाल की थी, वर्ल्ड कप भारत में है और भारत में ही रहेगा। हमने कप लेना है, मैं तो पहले बोल रही हूँ, मैं तो शुरू से बोल रही हूँ, वर्ल्ड कप होने से पहले 10 महीने से पहले बोल रही हूँ, अनबीटेबल है, होपफुली अनबीटेबल ही रहेगी, रिकॉर्ड ब्रेक होगा, ऐसे ही खेले, द टीम वाज अनबीटेबल, अनबीटेबल टीम है हमारी जो जीतने की स्ट्रीक है, और इंग्लैंड का बता रहे हैं क्योंकि उनको ओडीआई की प्रैक्टिस नहीं रही इसलिए फ्लॉप जा रहे हैं, अच्छा यही होना चाहिए, बट आई डोंट नो उनकी विकेटें क्यों उड़ रही हैं, कैचेस में जाते तो बात अलग थी, बट समथिंग इज ऑफ विद देम, वो बड़ा मजेदार था कि बुमराह ने उनको गुमराह कर दिया, अच्छा बोला था उन्होंने कि नहीं, बड़े अच्छे बोले थे, चक दे इंडिया बोला, गुमराह कर दिया, फिर बोला क्या बोला था, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, तो ये एक्चुअल इंडिया जो है, आप अगर इंडियंस को देखो वो एक्चुअल खुशी है, कोई भूलेगा नहीं ये खुशी एक्चुअल है विन करने की, जो इंडियंस को खुशी मिल रही है वो देखो यार कमाल की है, देख के लगता है इंग्लैंड से तो अलग से, इंग्लैंड से तो अलग से ही होता है, इंग्लैंड और पाकिस्तान ये अपने आप को सोचते हैं बड़े हीरो हैं, उनको हरा के इंग्लैंड को तो पता चलता है कि तुम कुछ नहीं हो आप, क्योंकि अंदर से वो चाहे ना शो करे अंदर से उनमें है प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि भैया ये आज का जमाने का न्यू इंडिया है, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, पटकेगा, तोड़ेगा, ठोकेगा।
बड़ा ही आ गया। तो चलो फ्रेंड्स, मजे मजेदार कमेंट्स लिखना ताकि मेरे को भी पढ़ के बड़ा मजा आए। आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फिर हस्बैंड को भी बताती हूँ। रस्ते भर में आज बता रही थी वॉक करते टाइम कि भैया ये बड़ा मजेदार था, ये था। और खासकर आपका वो जो बता रहे थे ना एक कमेंट कि मैंने खिड़कियां पूरी अपने घर की चमकाई है शीशे कमरे के, वो भी बताया, सब शेयर करती हूँ। ये कमाल की बात है मल्टीटास्क करना, टाइम बचाने में ज्यादा चमका दिया क्योंकि इंडिया गंदा गिरा था पहले। बड़ा अकलमंद काम किया था कि चलने दो मैच, यहाँ काम भी होता रहे। अमेजिंग भैया, गुस्से में ज्यादा चमका दी खिड़की। लाइफ में किसी का उस टाइम नहीं है इतना कि बस बैठा रहे। कमाल है, मजेदार था। तो ऐसे ऐसे मजेदार कमेंट्स लिखा करो, पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।